यार मुझे इसके चूजे निकाल के बाहर रखने पड़ेंगे, फिर ही आएगी, वरना अंदर से उनको खाना सिखा रही। और देखो सिर्फ बड़ी बड़ी फ्लिट बच गई, छोटी इन्होंने सारी खा ली, तो इसको मैं तोड़ देता हूँ अच्छे से और चूजों को भी बाहर निकालता हूँ। सर अभी मैं एक एक को मीठा पानी पिलाऊंगा, गुड़ वाला जो निकल बनाया था वो वहाँ उसमें है, तो मैं एक एक चूजे को उठा कर मैं उससे पिला देता हूँ पानी। पहले चेक कर लेता हूँ, ठंडा तो नहीं है यार, ये तो ठंडा है। तो फिर अभी ठंडा पानी पानी पिला सकते, फिर मुझे नया बनाना पड़ेगा। रात को मैंने बनाया था, मैं यहीं पर ही भूल गया, तो खैर नया बना लेता, कोई बात नहीं। पानी को मैं गर्म करके ले आया हूँ, हाँ अब टेम्परेचर नॉर्मल है, तो ठंडे पानी से यार बीमार भी हो सकते थे। तो सबसे पहले एस्ट्रोलॉग वाले चूजे थे माजो, और ध्यान से दो घंटे से मार लिए अब तो माजो सील चूजे। यार इनको इस तरह खिलाना मुश्किल हो रहा है, तो मैं इनको खिला कर मिलता हूँ, ये मेरे से इसके अंदर ही ना भेजे, तो मैं इनको अच्छे से खिला कर फिर आपसे मिलता हूँ। नीचे वाला कपड़ा से वापस निकाला, तो नीचे से सारा झाड़ू वाड़ू मार के ना वापस अभी कपड़ा भी छाड़ो, और फीड जो मैंने सारी छोटी छोटी की थी वापस मैंने इसमें डाल दी है, तो ये मैं अंदर रख लूँगा। बाहर तो बस चीज़ें घूमने फिरने होते हैं, देखो अब किसने जैसे तीनों प्लेट के अंदर खाने के लिए, तो अच्छा बस ये यहाँ से दाना वाना खाएँ और पानी वानी पिए, बाकी एक्स्ट्रा दाने इनके खुटे के अंदर भी पड़ा है। तो फिलहाल बस मैं इसको जल्दी से सेट कर देता हूँ और फिर इनको थोड़ी देर और फिरेंगे, क्योंकि आज आप देख रहे हो ना धूप बिल्कुल भी नहीं और मौसम काफ़ी ख़राब है और ठंडी हवा चल रही, मतलब इतनी भी ठंडी नहीं है, सर्दी वाला मौसम चल रही है, मगर इनके लिए तो अभी भी सर्दी है, तो इसलिए थोड़ी देर इनको और फिराएंगे और वापस इनको इनके घर में शिफ्ट कर देंगे। अपने बच्चे कल ही निकाल दिए थे, तो कल की वीडियो में हम डाल ही नहीं सके इस काम की वजह से, यार काम की वजह से हम काम में ही लग गए, टर्की बर्ड्स का खुडा साफ वाफ करना था, तो इस वजह से हम कबूतरों का बच्चा आपको दिखाने ही भूल गए। तो स्लिप हमने बनाई थी वो आप देख लो पहले, उसके बाद तो आज है इनके बच्चों को दूसरा दिन, और आपको मैं देख ही लिए होंगे कि दूसरे दिन में बच्चे कैसे yesterday। तो यार अभी हमारी कबूतरों ने हमें एक और सरप्राइज दे दिया यार, इस बार इनके दोनों अंडे ठीक थे और दोनों से बच्चा निकला हुआ है, वो देखो वो पीछे है, वही वाह वही वाह। और ये एक छिलका है अंडे का, ये मैं दोनों उठा लेता हूँ, ये पिछली बारी तो यार हमारे कबूतरों का एक अंडा ख़राब हो गया था, मगर इस बार इन्होंने दोनों बच्चे निकाले। और रिकी को यार अभी तक नहीं पता, तो जैसे रिकी आता है उसको चूज़ों का भी बताते हैं और इनके बच्चों का भी बताते हैं, तो अभी दाना वाना इन्होंने खा लिया, अभी जाएंगे अच्छे से अपने बच्चों को फीड वीड कराएंगे। एक बजे तो इन्होंने पाल के बड़ा कर दिया, ये अभी दूसरे दोनों की बारी, तो जैसे ये फिर थोड़े बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो जाएंगे ना, मतलब जब चलने लग जाएंगे, तो फिर हम इनका बड़ा बड़ा खुडा लगा देंगे जो हमने बना कर रखा हुआ है। दोनों बाहर आ गए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वो देखो यार, तो इनको मैं दाना वाना रखता हूँ, खाएंगे और जाकर अपने बच्चों को फीड वीड कराएंगे। चलो भाई मैं थोड़ा उड़ा देता हूँ, टेंशन मत लो। तो अच्छा यार फीड करा रही इन्होंने काफ़ी जल्दी, अपने इस पुराने बच्चे को भी फीड करा जल्दी बड़ा कर दिया था जो अब यहाँ पर शिफ्ट है, तो इसको भी अच्छे से जल्दी बड़ा कर देंगे, क्योंकि अभी मौसम भी अच्छा है यार, इतनी कोई सर्दी भी नहीं रहती, तो गर्म मौसम है, इससे रिलैक्स है, कोई भी ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। और हाँ मैंने अभी इनका खुडा पीछे से यार चेक करना है, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ना जो ये जगह है ना, ये देखो बीच में से यार पूरी लाइन, नीचे वाली साइड पे तो शॉपर फंसा हुआ है,
और बाकी जब ये वापस आएंगे ना तो मैं चेक भी कर लूँ इसके जो नेस्ट बनाया है इसके अंदर कोई कीड़े वीड़े तो नहीं पड़े, तो अच्छे से चेक कर लेंगे क्योंकि अभी इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको नुकसान पहुँचा सकते हैं कीड़े, तो आराम से दाना वाना खाएंगे। इनको अभी तकरीबन आधा पौना घंटा छोड़ देते क्योंकि अभी ज़्यादा देर ही घूमेंगे नहीं क्योंकि इनका बच्चा है, तो एक आएगा तो दूसरा जाएगा, दूसरा आएगा तो फिर जाएंगे, ऐसे ही ड्यूटी करते रहेंगे अपनी। तो है अभी ये दाना वाना खा ले तो फिर सबको खोलेंगे। बाकी तो तकरीबन सारे कंप्लीट ही हो गए, बस ये दोनों रह गए, तो पहले बच्चों वाले फारिग हो जाए उसके बाद फिर हम दूसरों को खोलेंगे। अभी मैं खोलूँगा मुर्गे को, तो सबसे पहले इसको बंद कर ले। तो इन्होंने दाना वाना खा लिया और अपने बच्चे को बच्चों को भी फीड वीड करा दी, तो चलो भाई चलो शाबाश, ये ले जाओ अंदर, ये तुम्हारे काम आ जाएगी। इसको करते हैं यहाँ से लॉक, थोड़ा मैं खोल लेता हूँ यार मुर्गे को, ये काफ़ी लेट हो गया यार, सबको साथ मैं इस वजह से नहीं खोलता यार क्योंकि अकेले तो समझ नहीं है कि घर के साथ हो यार। तो फिर हम खोलेंगे। और अभी यार ईद की छुट्टी है, तो ईद की छुट्टियों में वो टर्की बर्ड को, ब्यूनाफॉल को, ये छोटी मुर्गी और कबूतरों को तो हम साथ ज़्यादा डाल ही दें क्योंकि फिर इनको सबको साथ खोलें, क्योंकि टर्की बर्ड भी बड़े हैं आपको पता है, इनको भी ज़्यादा फिरना चाहिए होता है क्योंकि इनको टांगे वांगे खोलनी, इनको भी फिर ज़्यादा फिरने की ज़रूरत होती। तो खैर अभी जुमेरात से रिकी की भी छुट्टियाँ हो जाएगी, बस 4-5 दिन इनको एडजस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम इनको साथ ही आदत डलवाएंगे। और सुबह साथ में सुबह उठा करूँगा 9 बजे और 9 बजे से लेकर 11 बजे तक इन सबको साथ खोल दिया करूँगा, और उसके बाद मुर्गा और मुर्गी के चूज़े वूजे रह जाएंगे, इसको फिर हम अंदर खोल दिया करेंगे। तो फिलहाल जल्दी से फिर लो यार, फिर टर्की बर्ड को भी खोलना है, वो अभी तक इंतज़ार में बैठी हुई। चलो भाई चलो 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 अभी घर चलो भाई, दूसरों की भी बारी है, अगर साथ मिल के खा लो तुम्हारा ही फायदा है इसमें, मगर तुम लोगों को तो लड़ना है। तो फिर इसका हल हम निकालेंगे बहुत ही जल्द, दोनों सेट है ना, हाँ दोनों सेट। तो इस सबको यार मैं अंदर रखता हूँ फिर इनको खोलते। यार चूचो की यार कुछ ज़्यादा ही आवाज़ आ रही, अच्छा बाहर घूम रहे फिर से। और यार इसने सारा देखो कपड़े का तहस नहस कर दिया, जब मैं दाना अंदर रखता हूँ ना तभी ऐसे करती है। चलो ये देख रहे हो ना, पीछे कोई चूजा तो नहीं है ना, चलो एक तो ये दाना भी सर नीचे गिरा लेते और फिर पाँव मार के ना सब सारा कपड़ा कपड़ा ख़राब कर देते। चलो भाई आ जाते हैं, बारिश हो, मौसम तो बढ़ रहा है मगर कंफर्म नहीं है यार कि बारिश पड़ेगी, तो आज मौसम अच्छा है वरना आपने देखा होगा रोज़ ये जब मैं इनको बंद करते हैं इनके मुंह खुल जाते क्योंकि बहुत ही तेज़ गर्मी होती है यार यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इनको दाना वाना डालता हूँ, आराम से अपना दाना वाना खाएंगे और ये आराम से फिरते रहेंगे। चलो आराम से फिरो। गंद वंद कर दिया है, तो अभी मैं इस डिटॉल वाले पानी से धो देता हूँ सारे सेन को, तो जितने भी चम्स वम्स होंगे ना वो सब ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि फिर ये जरासीम वापस इसी तरह वायरस जो होता है वो भी मार कर सकते जैसे मुर्गा हो गया था, क्योंकि यहाँ पर चूजे वूजे भी फिरते ना, तो इसको मैं अच्छे से धो देता हूँ सेन को। तो यार अभी अब मौसम देखो कितना ख़राब हो रहा है, तो इनको मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि सर्दी वर्दी लग सकती है, तो मैं सारी चीज़ों को पकड़ कर इनके घर में शिफ्ट कर देता हूँ। चलो भाई चलो 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 चलो। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, दोस्तों मेरी आवाज़ का थोड़ा मसला आपको आएगा क्योंकि मेरा गला ख़राब है, तो खैर इग्नोर करना उसे इस वीडियो में, कल परसों से ठीक हो जाएगा। और यार आते ही मुझे ऋषि ने बताया कि हमारे पिजस के मतलब सॉरी कबूतरों के बच्चे आ गए हैं, तो बहुत खुशी हुई है मुझे देख कर। वो देखो अब माँ जाकर उनको खिलाएगी,
उसमें इस बार निकले हैं दो बच्चे, पहले नहीं हुआ था, एक बच्चा ये जो था ये कर रहा है, मगर इस बार निकले हैं दो बच्चे। तो हम दो दाने कबूतर लाए थे जैसे कि आपने देखा, तो अब उनकी फैमिली पाँच की हो गई है। तो ये तो बच्चा यहीं पर रहा है, जब वो दोनों बच्चे भी बड़े हो जाएंगे तो फिर ये घर आ जाएगा यहाँ पर, और फिर इस घर को कर देंगे ख़त्म, रख लेंगे इमरजेंसी के लिए, क्योंकि सर्दियाँ होती हैं तो फिर अंदर रखना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है बाहर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। कैसे हो भाई तुम? तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, आज हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिली, हमारे कबूतर ने अपने दोनों बच्चे निकाल दिए। तो यार इससे ज़्यादा खुशी के बाद हमारे लिए क्या हो सकती है, और बहुत टाइम से पहले निकाल दिए, अभी तक टाइम इसका था 3-4 दिन, और यहाँ बारिश स्टार्ट होती है, ओरियो को पकड़ो, ओरियो को। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, होप आपको अच्छी लगी, अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करना। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अल्लाह हाफिज़।